हेलो गाइस, और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और जहाँ मैं रुपया आया था और यहाँ बहुत बहुत तगड़ा वाला जाम है। अरे एक दो तो नहीं, सब तरफ जाम है, 10-15 ठो। पता नहीं इतना भीड़ कैसे हो जाता है। ये एक्चुअली क्या है, ये बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर पे गाड़ी पास हुआ करता है। उसका वो नहीं है कि जैसे सिटी में इतने बजे होता है, इतने से इतने बजे रात को जाओ या और कुछ, यहाँ ऐसा नहीं करते क्या। यहाँ भंसार कराना रहता है, जब इंडिया कस्टम से जब होके जाएगा तब नेपाल कस्टम में, फिर वहाँ होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, तो इसीलिए भीड़ हो जाता है। और भीड़ तो कोई दिन तो बहुत कटरे वाला हो जाता है। मुझे पहले मुझे बहुत दिक्कत होता था भीड़ में से, बाइक चलाने में भीड़ में या और ऐसे ही। उसके बाद मैं धीरे धीरे अब मैं चलाता हूँ बाइक, तो अब लोगों को दिक्कत होने लगता है। पहले मुझे दिक्कत होता था, इतना भीड़ है कैसे जाए, किधर से जाए। अब जो लोग भीड़ में फंसे होते हैं, अब उन लोगों को मुझसे दिक्कत हो जाता है। कोई बताता डर गया, कोई क्या पता। अरे ये रिक्शा वालों का तो कहानी अलग ही है, इनको जितनी जल्दी है उतनी तो कोई को जल्दी नहीं है। इनके जो जल्दी का लेवल है वो दो तल्ला उठ पा रहे हैं, कहीं बहुत नहीं है। ये देखो, हाँ ये बीच रोड पे, ये रोडवेज वाला देखो, ये बीच रोड पे ये रोक के सवारी बैठा रहा है। भैया पे मामूली बात है, सरकारी बस है, रोडवेज, और बीच रोड पे रोक के फिर सवारी बैठा के फिर जा रहा है। जिसको दिक्कत हो तो हुआ करे उसको, कहा ज़्यादा कोई और दिक्कत होगा, लड़ाई झगड़ा वगड़ा वाला तो छोड़ के चला जाएगा, और क्या, कौन सा उसके अब्बा का है। अरे यार इतनी जल्दी शाम हो जाता है और ठंडा होने लगता है। मैं इसलिए मैं कहूँ इन चीटर पहन के आया था, वरना अभी मुझे तो ठंड लग जाता है। और ये रिक्शा वाला बहुत सीधा लग रहा है, ये इतनी दूर से जा रहा है। चलो कोई तो बढ़िया आदमी मिला, ऐसे आदमी बढ़िया मिला करे तो बढ़िया है। और कोई तो वो तो किनारे छोड़े बीच रास्ता पे, जैसे वो रोडवेज वाला भी बैठा रहता था बीच रोड पे सबको रोक के। भाई वो रोडवेज को पैसेंजर बस बना देते हैं, वो हरिद्वार शिमला कहाँ जाता है तो रास्ते भर सवारी बैठाते जाते हैं। अभी यहाँ कोई मिल जाए तो फिर यहाँ रोक लेते हैं, फिर आगे कोई मिल जाए, फिर 10 चक्कर अगर कोई मिल जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, 10 चक्कर रोक के बैठा लेते हैं। और नज़दीक वाले को तो तुरंत बैठा लेते हैं, जानते हैं तनिक दूर जाना है, उसका टिकट वो नहीं काटते हैं, वो भी पैसा बच जाता है। और अब मैं पहुंच गया हूँ पेट्रोल पंप के पास।